हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो चैप्टर हमारा चल रहा था डिफरेंशिएशन, और आज हमारे पास क्वेश्चन है इफ एक्स रूट वन प्लस वाई प्लस वाई रूट वन प्लस एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। ये जो हमारा क्वेश्चन, और शो क्या करना है हमें कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए कैसे आएगा आंसर। पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं अपना। क्वेश्चन है एक्स अंडर रूट वन प्लस वाई प्लस वाई अंडर रूट वन प्लस एक्स, और ये किसके इक्वल है? जीरो के। तो सॉल्व करने के लिए देखें, हमें तो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए ना। तो सबसे पहले हमें किसी तरह से इसमें से वाई अलग करना होगा, क्योंकि इक्वेशन हमारे पास होनी चाहिए वाई इज इक्वल्स टू समथिंग, तभी तो डी वाई अपॉन डी एक्स लगता है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो एक्स रूट वन प्लस वाई इज इक्वल्स टू, ये जो ये वाला पार्ट है पूरा आपका वाई वाला, इसको आर एच एस में लेकर चले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? माइनस वाई अंडर रूट वन प्लस एक्स। अब देखो क्या होगा, क्योंकि यहां पर भी हमारे पास रूट है और यहां पर भी रूट है, तो इस रूट को हम पहले हटाएंगे, और ये कैसे कैंसिल होगा? स्क्वायरिंग करके। तो क्या करना होगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। देखिए स्क्वायर करके क्या होगा, ये मेरे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा वन प्लस वाई इज इक्वल्स टू, ये क्या बन जाएगा? वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा वन प्लस एक्स। भाई स्क्वायर करने से रूट कैंसिल हो गया ना, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूंगा, इन वैल्यूज को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए कितना आएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और ये हो जाएगा इधर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। अब हमें क्या करना है कि जो सिंगल सिंगल वैल्यूज हैं, ये सिर्फ क्या है एक्स स्क्वायर और ये वाला क्या है वाई स्क्वायर, इनको एक जगह पर लेकर आएंगे। तो देखिए कितना आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये वाला देखो यहां पर दो वैल्यू है, यहां पर भी दो वैल्यू है, वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई। तो यहां तक तो बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अब क्या करना है, देखिए यहां पर हमारे पास आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर हम ओपन करते तो क्या बनेगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ठीक है ना। इसको हमने आइडेंटिटी से ब्रेक कर लिया इज इक्वल्स टू। यहां पर हमने देखा कि एक्स और वाई यहां पर भी है और एक्स और वाई यहां पर भी है, तो यहां से हम एक्स वाई कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए यहां पर वाई स्क्वायर था ना, तो यहां पर सिर्फ वाई बचा माइनस यहां पर एक्स स्क्वायर है, तो यहां पर एक्स बचा कॉमन लेने की वजह से। अब आप जरा समझें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। यहां पर हमें गिवन है एक्स माइनस वाई, और यहां पर क्या है वाई माइनस एक्स। तो अगर हमें इन दोनों को कैंसिल करना है तो ये सेम होने चाहिए। तो देखिए सेम कैसे बनेंगे, ये यहां पर क्या है एक्स प्लस वाई, यहां पर है एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू। अगर मैं यहां से इस माइनस को बाहर निकाल लेता हूं, तब ये वाला माइनस का बन जाएगा और ये वाला टर्म प्लस का बन जाएगा, तो ये सेम ऐसा हो जाएगा। देखिए यहां पर एक्स जो है पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, तो देखिए माइनस हमने बाहर निकाला माइनस एक्स वाई, और यहां पर आ गया मेरे पास माइनस वाई प्लस एक्स। देखो अगर मैं इस माइनस को वापस मल्टीप्लाई कर देता हूं अंदर, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना यहां पर, तो माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस। तो एक बार फिर से इसको लिखकर दिखाता हूं मैं आपको, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई, और ये बन सकता है एक्स माइनस वाई। भाई इस एक्स को हमने पहले लिख दिया, वाई को हमने बाद में लिख दिया, तो क्या बन गया देखो, जैसे यहां पर था ना एक्स माइनस वाई, सेम ऐसे ही यहां पर आ गया एक्स माइनस वाई। अब देखें
एक तरीका तो क्या है इसको कैंसिल करने का, कि यहाँ पर मैं इसको यहीं की यहीं कैंसिल कर दूँ, क्योंकि ये RHS और LHS में दोनों जगह है तो ये कैंसिल हो सकता है यहाँ पर। और दूसरा तरीका क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैंसिल करने का। देखिए x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, अब ये क्या था RHS में ना, ये पूरा इसको हम वापस लेकर आएंगे LHS में, तो प्लस एक्स वाई, एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा ना, यहाँ पर बचा 0। तो अब देखो एक्स माइनस वाई यहाँ पर भी है और एक्स माइनस वाई यहाँ पर भी है, तो हम एक्स माइनस वाई को कॉमन ले लेते हैं बाहर, और यहाँ पर क्या बचा मेरे पास एक्स प्लस वाई और प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा देखो, या तो ये 0 के इक्वल होगा या फिर ये वाला टर्म 0 के इक्वल होगा, तो एक एक बार इन दोनों को हम 0 के इक्वल पुट करके देखते हैं कितना कितना हमारे पास आंसर आना चाहिए। देखिए जब हमने पुट किया एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0 तो हमारे पास कितना आंसर आया, एक्स इज इक्वल्स टू वाई, ये RHS में चला गया, विच इज नॉट पॉसिबल। भाई अगर एक्स और वाई इक्वल होते तो क्वेश्चन में दो दो नाम क्यों लिखे हुए होते, तो ये तो हमने एलिमिनेट कर दिया, इसको तो हमने एलिमिनेट कर दिया। तो जब ये वाला टर्म एलिमिनेट हो गया तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास दूसरा वाला टर्म बचता है जो कि कौन सा था, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसको 0 के इक्वल रख के देखेंगे तब आंसर आएगा। तो हमें पता है कि क्वेश्चन किस तरह होना चाहिए, वाई इज इक्वल्स टू समथिंग, तो यहां से हमें वाई अलग करना है, तो देखो कैसे होगा, वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, यहां पर था यहां पर आ गया माइनस एक्स हो गया। अब यहां से वाई कॉमन लेते हैं, क्या बचा वन प्लस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, तो वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, ये आ गई मेरे पास y की वैल्यू। तो क्योंकि अब मेरे पास y की वैल्यू आ चुकी है तो सिर्फ क्या काम बचा, अब मुझे फाइंड करना होगा dy अपॉन dx। तो चलिए फाइंड करते हैं dy अपॉन dx। देखो ये क्या है अपॉन की फॉर्म में है, तो यहां पर हमें लगाना होगा क्वेश्चन रूल। तो देखिए क्वेश्चन रूल अप्लाई करने से कितना आंसर आएगा, आंसर आएगा मेरे पास डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर एक बार डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन। तो एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है वन, माइनस एक्स का कितना होगा माइनस वन, माइनस एक बार न्यूमिनेटर एज इट इज इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। तो देखो वन का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन, तो इनटू वन। तो देखो कितनी वैल्यू आ गई मेरे पास, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखो ये वाली बात तो समझ में आ गई थी ना आपको, क्वेश्चन रूल कैसे हमने अप्लाई किया। अगर क्वेश्चन रूल में आपको कोई कंफ्यूजन है तो लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा मैं, वहां से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा आप। फिलहाल यहां पर देखें जरा, देखो ये क्या था माइनस एक्स, ये है प्लस एक्स, तो ये तो कैंसिल हो गया, हमारे पास सिर्फ क्या बचा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और यही हमें आंसर लेकर आना था। तो हमारे पास आंसर तो आ गया, अब आपको करना क्या है इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले लेक्चर्स आपके मिस ना हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।